अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कैसा ये खेल भैया मुंबई की रेल भैया, मुंबई की रेल भैया लगती है जेल भैया, मुंबई की रेल भैया। हे मुंबई मुंबई मुंबई, हे मुंबई 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 मुंबई, लव यू मुंबई आई लव मुंबई। ना उसकी जनाने में गिनती ना गिनती मर्दों में उसकी, उसने पकड़ हमें धक्का दिया चढ़ गए जनाने में हम भी। जनानी हमें सब घूरन लगी, हम पीछे हटे वो आगे बढ़ने लगी, गलती से टकरा गए तो जनानी ने पटक पटक के हीरे धुलैया। मुंबई 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 मुंबई। अगले स्टेशन तक हाय मेरी हालत बहुत ही बिगड़ गई रे।
जनानी से छूटा तो टीसी की नजरिया हम पे पड़ गई रे। उसने झट से कॉलर को पकड़ा, लेडीज में चढ़ के करता है लफड़ा। इतने में पब्लिक और पुलिस ने अंग अंग ढीला हाय मेरा कर दिया। मुंबई 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 की रेल भैया लगती है जेल भैया। अरे मुंबई की रेल भैया लगती है जेल भैया। मुंबई की रेल भैया मुंबई मुंबई लव यू मुंबई आई लव मुंबई। भाग्या साला। हाँ लेकिन हम उसे मरकर भी पकड़ कर आएंगे। एक बात बोलू पांडू, क्या हम उसे जिंदा नहीं पकड़ पाए तो मरकर क्या घंटा पकड़े। आ, 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 ए महा। अरे भैया लगता है शहर के पुलिस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। सुनना बेटा, इससे अच्छा होगा कि ये तू शहर ही छोड़ दे। अरे मुन्ना, अरे क्या हुआ मुन्ना? वो सोनू मोनू मुझे नहीं खिला रहे हैं माँ। अरे क्यों नहीं खिला रहे हैं बेटा? कहते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ। अरे सुन मेरी बात, मेरा बेटा सबसे सुंदर है। सच्ची माँ? हाँ, इसलिए वो तुझसे जलते हैं। क्यों माँ? एक बात बता मुन्ना। हाँ? माँ सच कहती है कि दुनिया? माँ सच कहती है। तो तेरी माँ कहती है कि मेरा मुन्ना सुंदर है, बहुत सुंदर, सबसे सुंदर। सच माँ? हाँ बेटा, और देख तेरी शादी ऐसी मेम से होगी। अच्छा? हाँ। अरे देख मुन्ना, देख कौन आया। ये कौन है माँ? अरे वही तो मेम साहब है बेटा। मेम साहब? मेम साहब ऐसी होती है क्या? ऐसी होती है मुन्ना मेम साहब। और हमारे मुन्ना की शादी ऐसी मेम साहब से होगी। मेम साहब से शादी करूंगा। हाँ बेटा जरूर जरूर। ओके बाय। तू ही है जो फरियाद सुन।
कोई है। अबे कौन है बे प्याज के छिलके? खाली दादा देख तो बाहर कौन है। हाँ, देखता हूँ। अरे माँ रे माँ। उस्ताद भाग गया। भाग गया? खाली दादा से पंगा मतलब नंगा। भाग गया? हाँ। नहीं तो साले को पकड़ के यहीं पे नंगा करता। उस्ताद नंगा करना बाद में, 7 बजे अमेरिका पहुँचना है, 5 बज चुके हैं, जल्दी चलो। अच्छा। हाँ ठीक है बहुत बोलता है। ओ तो अपने स्टाइल है उस्ताद। ओह शिट यार अभी तक आया नहीं। हाय अरे बाप रे। अजी सुनिए। व्हाट? हमारा नाम मुन्ना है। तो मैं क्या करूं? शादी। शादी? किसकी शादी? ओ हमारी माँ कहती है मुन्ना तुम बहुत सुंदर है रे, तेरी शादी किसी मेम साहब से होनी चाहिए, इसलिए हम शहर आ गए। तो मैं क्या करूं? मेम साहब हमसे शादी कर लो ना, हमारी माँ बहुत खुश हो जाएगी। बट मुझे और मेरी माँ को बहुत बड़ा दुख होगा। यू ब्लडी शक्ल देखिए आईने में। ओ क्या है मेम साहब, हम तुम्हारे ही सपने देखते रहते हैं ना, इसलिए हमें आईना देखने की फुर्सत नहीं मिली। ओह माय गॉड शिट। ये क्या हो गया मेम साहब, ये क्या हो गया मेम साहब आपको? लीव मी अलोन अदर आई विल ब्रेक योर हैंड्स एंड योर लेग्स, आई विल शूट यू, शूट यू। ये आपको क्या हो गया मैम साहब, आप भूतो चुड़ैलो वाली बोली क्यों बोल रहे हैं? स्टॉप देयर, डोंट टच मी, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नहीं नहीं मैम साहब ये जुर्म मत कीजिए, अगर हम जान से मर गए तो हमारी माँ का क्या होगा, हमारी बहन गंगा का क्या होगा, हमारे गणेश बछड़े का क्या होगा, और हमारे मुर्गी के दो बच्चे उसका क्या होगा, और मैम साहब और एक गाय का बछड़ा है ना बहुत सुंदर है आपके जैसा। यू इडियट, मैं तुम्हें गाय के बछड़े जैसे दिखती हूँ? ओह माय गॉड दीपक, 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 वेयर आर यू दीपक? क्या हुआ डार्लिंग? इसने मुझे छेड़ा है। What? You? और इस कमीने ने बोला कि मैं इसके गाय के बछड़े जैसी दिखती हूँ। क्यों बे, अनपढ़ गवार हमारे शहर की मासूम भोली भाली लड़कियों को छेड़ता है। मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा समझा। ये इसे बोल चुकी हूँ। अच्छा? फिर भी नहीं माना। तो मैं इसके पैर तोड़ दूंगा। ये भी बोल चुकी हूँ फिर भी नहीं माना। ठीक है तो मैं इसका गला दबाकर इसे जान से मार डालूंगा। अरे बाबा इस कमीने को वो भी बोल चुकी हूँ फिर भी नहीं माना। जब ये सब कुछ तुम बोल चुकी हो तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ? दीपक तुम इस जाहिल गवार से मेरी हिफाजत नहीं कर सकते, तो तुम जैसे कायर डरपोक से शादी करने से अच्छा है कि मैं कुंवारी रह जाऊं, या फिर इस मुन्ना, इस मुन्ना से शादी कर लूं जो सबके सामने कहने की तो हिम्मत रखता है कि मुझसे शादी कर लो ना मेम साहब। बिल्कुल सही मेम साहब। ये लो अपनी रिंग, आज से मैं ये मंगनी तोड़ रही हूँ, आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। तूने मेरी मोहब्बत की बिल्डिंग पर छेड़खानी का बुलडोजर चढ़ाकर पानी फेर दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो उसे, ये क्या कर रहे हो, पागल लगता है बेचारा, जाने दो उसे। मेम साहब की वजह से बच गया, चल हट। चलो दीपक चलो खुशी दूसरी जगह आइसक्रीम खाते हैं, सर ने दिमाग खराब कर दिया। चलो छोड़ो ना दीपक, जाहिल गवार पता नहीं कहां कहां से आ जाता। अरे बाप रे कितना मारता है भैया शहर के लोग। अरे बाप रे, अरे भैया इस शहर के लोगों में अकल की नस्ल एकदम दूसरी है। अरे भैया क्या बताएं, तुम कैसे रहते हो भैया इनके साथ में? अरे ये देखो इतना सुंदर आदमी का कोई इज्जत नहीं है यार, मार मार के हमारा कैसी हालत कर दिया देख रहे हो, एक ने पागल सांड की तरह मारना शुरू किया तो सबके सब भिड़ गया भैया, किसी को हमारी बात सुनने की फुर्सत ही नहीं है। फोकट फ्री पैंट में मारने को सबको फुर्सत है भाई। अरे सर जी आपका बटुआ गिर गया। अरे रुको भैया हमें उठा के दे देते हैं।
अरे बाबा, अरे सेठ जी, सेठ जी। अरे भाई तुझे क्या हुआ? तू तो अच्छा खासा बैठा था। अरे बाप रे, बचा लो, हर जगह मारने के दौड़ते हैं। सर जी आपका बटुआ, अरे सर जी ले ले आपका बटुआ, ले लो सर जी बटुआ ले लो ले लो। एक पागल ने पीछा छोड़ा, कितना पागल मेरे पीछे आ गए हैं बाप रे। अरे मुझे छोड़ दो, अपना बटुआ ले लो। अरे मिर्ची दादा के इलाके में क्या नाटक है रे? अरे मिर्ची दादा, भाई छोटो सो, नाटो सो, कालो सो, मारो पर्स ले गयो मिर्ची दादा, मारो पर्स ले गयो। मिर्ची दादा के इलाके में सेठ का पर्स ले गया? कौन है वो? वो जा रही हो, चलो चलो, आओ मेरे साथ, चल जल्दी। अरे मारी मेहनत की कमाई ले गयो, चोर पकड़ो। लगता है जब तक हम दौड़ेंगे ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भगवान बचा ले, भगवान कहीं छुपा ले। मेम साहब कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? कौन हो तुम? जी जी, वो क्या है, हमारा नाम मुन्ना है। ओ हमारा माँ कहती है कि हम बहुत सुंदर हैं, हमारी शादी ना किसी मेम साहब से होगी। हमसे शादी कर लो ना मेम साहब। क्या? पापा, कौन है? कौन है? पापा, ये पागल मुझे छेड़ रहा है। तेरी इतनी जरूरत क्या? तू कक्कर मरवार के घर में घुस कर उसकी बेटी को छेड़े? बड़ी शकल के, अभी तुझे बताता हूँ कमीने। जोर से मारा। अरे इधर से सेठ जी भी आ रहे। अबे हट पे सड़क ले। अरे 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 ओ जय, इधर एक चोर को भागते हुए देखा है? अरे भैया भाग लो, डर गया ये मित्तल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जल्दी चल मिर्ची भैया। अरे बाप रे, अरे बाप रे कमर। अरे बच के कहाँ जाएगा? अरे सर जी, अरे बचाओ, अरे भैया कोई बचाओ। अरे बचा लो। अरे अरे बचा लो, चल लो जल्दी। अरे अरे जल्दी जल्दी, अरे अरे बचा लो, चल लो जल्दी। अरे अरे जल्दी जल्दी, अरे ले जाओ। मुझे बचा लो, अरे मौत पीछा पड़ा हुआ है। अरे भैया बचा लो, आ रहा है। अरे डॉक्टर भैया, एक जना हमारा पर्स ले गयो, छोटो सो, नाटो सो, कालो सो, कालो सो, कटे देखियो कहीं। मुझे नहीं पता, इंक्वायरी पर जाकर पूछ। सुनो, इमरजेंसी केस है, फटाफट इमरजेंसी वार्ड में लेके जाओ, चल। हाय, कट गए सत्यानासी। अरे भैया, अठे छोटो सो, नाटो सो, कालो सो, टूटड़ो फूटड़ो आदमी जा, थोड़ा देखियो कहीं। वो उधर सामने लेके गया। अरे हाय मर गया। क्यों दे रहे हो मैंने कष्ट? अबे ओए, भंगार के साथ फ्री में आए हुए पार्सल मिर्ची दादा के इलाके में सेठ साहब का पर्स मार दिया तुमने। निकाल पर्स, निकाल। अरे हमने कुछ नहीं किया, ये बटुआ जमीन पे पड़ा हुआ था, उसको हम देने दौड़ रहे थे तो तुम हमारे पीछे क्या दौड़े? हेलो दादा, अरे परस मिल गया, मरो परस। अरे सत्यानासी, समय नहीं आयो खंडर पे तोड़ो तरस, मारो बटुओ, मारो परस। अरे थारो सत्यानाश जाइजे, बार बार थारो सत्यानाश जाइजे। अरे मिर्ची भैया भलो हो, थारो पर्स मिल गयो मारो। अरे ओए सेठ, पहले गिन तो ले पैसे पूरे हैं कि नहीं। दो तीन पाँच रुपया पचास पैसा, पैसा पूरा है भैया, चोर है पर ईमानदार है।
तो बाकी पैसे किधर गए? देख मिर्ची, तने मिर्ची लगाया कोने, मेरा टेंशन कोने, मैं झूठ बोलू कोने, मेरा पैसा पूरा है, मेरा पैसा पूरा है। अबे ओए सेठ, कंडोम की औलाद। अरे शादी कर लो मैम साहब, हम बहुत सुंदर हैं। हे राम, ये क्या, आप चाटा ने तो पहले ही मुंडन करवा लिया। अरे जब करवाना ही था तो क्या पहले और क्या बाद में। आप पहले ये बताइए पिताजी हम लोग पहुँचे कि नहीं, क्या कहा डॉक्टर ने? बस सांसें चल रही है, डॉक्टर ने कहा है कुछ ही पल के मेहमान है। अच्छा, मैं फिर से लेकर आती हूँ। सर नमस्ते सर। हाँ सर, सर प्लीज सर आप मीटिंग कैंसिल मत करवाइए, मैं पहुंच जाऊंगा सर। हाँ सर। अरे राधे कहाँ है तू? अरे भाई तुम में से मुन्ना कौन है? अरे भाई तुम में से मुन्ना कौन है? हमारा नाम मुन्ना है। ओके, तुम्हारा नाम मुन्ना है? हाँ। चलिए उल्टा हो जाइए, इंजेक्शन लगाना है। मैम साहब हमको दे दो ना। बोला ना उल्टा हो जाओ, उल्टा हो, चलो हटो। ना मैम साहब, बहुत बहुत प्यास लगी है, दे दो ना। अरे बोला ना, आराम से लेटे रहो। मेरी तरफ क्या घूर रहे हो, बोला ना उल्टा हो जाओ, उल्टा हो। क्या ना मैम साहब, हमारी माँ कहती है हम बहुत सुंदर हैं, हमारी शादी किसी मैम साहब से होगी, इसीलिए हम शहर आ गए। What's your problem? मैम साहब हमसे शादी कर लो ना। What? You? तुम जैसे टूटे फूटे गवार जाहिल से शादी मैं करूँगी? Bloody fool! ठहरो तुम्हें अभी बताती हूँ। मुझसे शादी करेगा, हो गई शादी? बदतमीज कहीं का, टूटा फूटा सड़ी सी शक्ल का। अरे मुझसे नहीं तो इससे शादी कर ले। देवा देवा, इंजेक्शन लगाया रे। हेलो, अजय सुनते हो? डॉक्टर ने बोला है पिताजी अभी अभी चल बसे। राम नाम, राम नाम, सत्य बोलो, सत्य बोलो, राम नाम, सत्य बोलो, राम नाम, राम नाम बोलो, उठा के बोल। हेलो सर। हाँ सर। हाँ नमस्ते सर। हाँ सर, सर पहुँच जाऊंगा सर, प्लीज सर। बस सर पिताजी के हम लोग पहुँचा के आता हूँ सर। बस सर शमशान आने वाला है, चिता को अग्नि देकर पहुँचता हूँ सर। भैया कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? थोड़ा रुक के चाय नाश्ता कर लेते हैं। चाय नाश्ता का समय नहीं अभी। राम नाम, राम नाम। मैंने तो पहले ही बोला था किसी गाड़ी वाड़ी में लेके चलते हैं अर्थी को, तो जल्दी पहुँच जाते। बड़े बड़े नेताओं की अर्थी भी गाड़ी में ही जाती है। तू चुप कर, तुम सब चुप करो, मुझे वैसे ही जल्दी है, शेयर मार्केट में वैसे ही अप डाउन चल रहा है। जी पटाखा डम डम बक्कल बक्कल तीन चलाकर लहुआ लाठी चूड़ा काटे। अरे भैया थोड़ा धीरे चलो, मुझे तेज दर्द हो रहा है। अरे भाई देखो मुर्दा क्या बोल रहा है, मुर्दा बोल रहा है धीरे चलो। हाँ भाई मुर्दा बोल रहा धीरे चलो। बोलना बेटा भाग ले नहीं तो जिंदा जला डालेंगे। अरे तू देख, मैं इधर देख। जी साहब। अरे भाई साहब, आपने मेरे मरे हुए पिताजी को देखा है क्या? देखा। कहाँ देखा? आसमान में। अरे पागल है यार, अरे साला तू पागल, तेरा बाप पागल, तेरा खानदान पागल, मुझे पागल बोल रहे हैं। अब इनका क्या करूँ? ले जाओ सालों को, बंद कर दो लॉकअप में। चलो बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई बचाओ, जादू चला तू आई बला को डाकू, अरे कोई बचाओ, बचाओ 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 भाग गए। बड़ी खुशी की बात है, मुझे भाग रहे हैं, भूत अंदर आ रहे हैं। साहब इसी की वजह से भागे हैं। अबे पकड़ो जाके उसको, अरे अरे मुंह देख रहा, पकड़ो उसको। क्यों रे, वो मुजरिमों को भगाने के लिए यहाँ तक किया ना तूने, बहरूपिए का? साहब साहब इंस्पेक्टर साहब ये सच नहीं है, मैं बहरूपिया हूँ साहब, मैं बहरूपिया हूँ। तो क्यों आया यहाँ पर, क्यों आया? सब सब मेरे पीछे मुर्दा लगा हुआ है। अच्छा? मुर्दा लगा हुआ सर मेरे पीछे। क्यों 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 साहब, साहब
शायद वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। लगता है वो मुझ पे आशिक हो गया। अच्छा अच्छा, तेरे साथ शादी बनाएगा, तेरे साथ घर बसाएगा। क्यों बे, मेरे को बेवकूफ बना रहा है? ये भूतों की लव स्टोरी कब से शुरू हो गई बेटा? नहीं साहब, मेरे छोटे छोटे 8 बच्चे हैं साहब। छोटे छोटे सब एक ही साइज के? अबे मुर्गी के बच्चे पैदा किया या इंसान के बच्चे पैदा किया? जब सरकार ने बोला है कि 2 से ज्यादा नहीं तो 8 कैसे पैदा कर लिया बे? और दूसरी बात ये कि मुर्दे कभी भागा करते हैं? और तीसरी बात ये कि उन मुजरिमों को भगाने के लिए तूने ये नाटक किया ना बेटा? बोल। नहीं नहीं साहब, ये सच नहीं है साहब, मैं कसम खाकर कहता हूँ साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब। हवलदार। यस सर। साहब बंद कर दे साले। ये चल चल साहब। साहब मेरा जुर्म क्या है साहब? जुर्म बताता हूँ बेटा, 8 बच्चे पैदा करना तेरा जुर्म है क्या मेरा जुर्म? बोल साहब। साहब वो तो मेरा जुर्म है। तो इसी जुर्म में बंद हो जा, ले जा। साले महंगाई के जमाने में 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं। यहाँ एक बच्चा पैदा करने के बाद सोच रहा हूँ कि दूसरा बच्चा पैदा करूँ या नहीं करूँ। एक तो टाइम ही नहीं मिलता, दूसरा झोल भी नहीं हो रहा। अरे हमने कुछ नहीं किया। अरे चल साले, नाटक करता लड़कियों को छेड़ता है, चल इधर खड़ा रहे साहब। अरे कौन है ये सफेद मुर्गा? ये लड़कियों को छेड़ रहा था, वो भी अपनी वाली को। क्या? अब मेरा मतलब है अपनी एरिया वाली को। अच्छा, नहीं, अच्छा, अच्छा। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया साहब जी। आप चुप। बोल बोल। जब ये लड़की को देखता है ना तो इसकी कमर सीधी हो जाती है, और जब लड़की के बाप को देखता है ना तो इसकी कमर झुक जाती है। बड़ा टैलेंटेड छेड़ू है। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। क्या कितने विकेट लिए अभी तक तूने? मेरा मतलब कितनी लड़कियों को छेड़ा, और ये तू झुकाऊ क्यों है? सीधा खड़ो, सीधा खड़ो। पुलिस जी, हमारे पीठ में बहुत दर्द है। तो इसलिए इंस्पेक्टर साहब, हाउ आर यू? मलिका, मलिका, तुमने क्यों तकलीफ की मलिका? हुक्म किया होता तो मैं खुद हाजिर हो जाता। जोनीमन, 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 नहीं नहीं तुम्हें नहीं, हे हवलदार जोनीमन। जी, यस सर। शाहरुख को बोल 2 कटिंग चाय लेके आएगा। यस सर। यस। जा। ओके ओके। पहलवान कैसे हैं और कैसे आना हुआ मलिक का? पापा, इट्स ओके। शाहरुख, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मेम साहब, हमारा नाम मुन्ना है। यू इडियट, तुम यहाँ भी? मेम साहब, क्या हुआ क्या हुआ मलिका, एनी प्रॉब्लम? अरे इसी बदमाश ने मुझे घर में घुसकर छेड़ा था। अच्छा? नहीं तुम्हें? नहीं है? नहीं पुलिस जी, घर में घुस घुस कर लड़कियों को छेड़ता है, टूटे फूटे ताजमहल। पुलिस जी, हमारी माँ कहती है हम बहुत सुंदर हैं, हमारी शादी किसी मेम साहब से होगी। क्या शादी? अभी करवाता हूँ बेटा तेरी शादी। और एक बात बता बे, ये तेरी कमर अचानक सीधी कैसे हो गई? हाँ, तेरी पीठ में तो बहुत तेज दर्द था। एक्टिंग करता है लड़कियों को छेड़ने के लिए, अभी तेरी एक्टिंग निकालता हूँ। हवलदार, जरा इस एक्टर को माल इस घर दिखाओ भाई। इसकी पट्टियाँ खोलो, तेल निकालो, मैं डंडा लेकर आता हूँ। जाओ इसको लेकर जाओ। चलो थाने में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। लिखवा देते हैं। अरे कहाँ चला गया? चलो चलो बताता हूँ, बताता हूँ। मैं दौड़ते दौड़ते भूत के पीछे पुलिस स्टेशन पहुँच गया, और वहाँ जाके पता चला कि वो भूत पिताजी नहीं है। हम लोग किसी दूसरे को उठा लाए, पिताजी तो हॉस्पिटल में है। पिताजी हॉस्पिटल में है? चलो 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 चलो। पिताजी कहाँ चले गए थे आप लंबे टूर पर? लंबे टूर पे? कौन से लंबे टूर पर? कौन पिताजी? अरे पिताजी की लाश को तो पहले ही तुम लोग ले जा चुके हो यहाँ से। नहीं पिताजी नहीं, वो तो धोखा हो गया था, गलती से आपकी जगह किसी दूसरे को ले गए थे। धोखा देके भाग गया। अच्छा, और आपकी अर्थी की सारी लकड़ियाँ भी बेकार हो गई। वाह, चुप कर, पिताजी अभी जिंदा हैं। बाप जिंदा है और बेटे सर मुंडाए खड़े हैं, कैसा जमाना आ गया है। पिताजी ये तो भैया ने करवाया। मैं ही क्यों, सबने कराया था पिताजी। तुमने ही तो कहा था, मालिक ने चाहा तो पिताजी रात को ही गुजर जाएंगे। ए राम। अरे आप यूं क्यों नहीं कहते, आपको मीटिंग में जाने की जल्दी थी। तुझे जल्दी नहीं थी क्या? नाई को साथ में कौन लाया? आप झूठ बोलते हैं। पिताजी झूठ ये दोनों बोल रहे हैं, आपको विदाई देने की सबसे ज्यादा जल्दी इन दोनों को ही थी। क्या तुझे जल्दी नहीं थी? मुझे, मुझे कैसी जल्दी, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि चीता की लकड़ियों के पैसे भी मुझे देने हैं। क्या क्या, दवाइयों के पैसे हम सबने नहीं दिए क्या? बल, 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 बल। खामोश कमबख्तो, मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। अगर मुझे पहले ही मालूम होता कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे
तो मैं तुम्हारी जगह चार कुत्ते पाल लेता। हे राम, ऐसी औलाद किसी को मत देना। बाकी वकील साहब आप ही इन्हें समझा दीजिए। देखो, सेठ जी ने सारी संपत्ति गरीबों में डोनेट कर दी है। अब सेठ जी की पूरी संपत्ति में से तुम चारों में से किसी का कोई हक नहीं है। अरे चोर से मुक्ति आ रही है। अबे टेंशन से काय को नाच नाच के रो रहा है बे। अरे भैया हमें जोर से लगी है। अरे भैया कुछ तो करो। तो क्या आंखों से मुतेगा बे? अरे भैया पुलिस वाले निकलने भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा ये टेंशन ही लेने का क्या? आप उन संभालेगा हवलदार के बच्चे को? अरे उस्ताद आप मरवाएगा क्या? अरे नहीं उस्ताद, तुम अपना अंदाजा उस्ताद ही दिखाने का ना, बेचारे का काम बन जाएगा। एक काम कर, दो बजे निकाल, फिर देख तकदीर का तमाशा। दो बजे निकाल। अरे लो उस्ताद, अब निकाल। किधर गई? टेंशन मत ले दे। अरे लो उस्ताद, निकाल। हाँ एक और लो उस्ताद, तमाशा देख। हवलदार साहब क्या है? प्लीज इधर आइए ना, इधर आइए ना। हले हवलदार साहब कितने अच्छे इंसान है आप। हमने पुकारा और आप चले आए। हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमें रोटी कपड़ा और मकान तक देते हैं आप। वाह ठीक है ठीक है, काम क्या है आपके पास? वो अग्नि पेटी होगी? वो क्या होता है? अग्नि पेटी, एक आप सुलगाना एक मैं सुलगाऊंगा। पुलिस स्टेशन में बीड़ी पीना मना है। ओ साहब आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, दरअसल इनको बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी दे दीजिए प्लीज। पानी आ रहा है, आ जाएगा, दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? आपके पास वो बड़े साहब की बोतल है? बड़े साहब का पानी है, उसका नाम भी मत लेना। अरे क्या हवलदार साहब, पानी पिलाने का ना अपने उस्ताद को? पानी पिलाना पुण्य का काम है। अरे दुआएं मिलेंगी तुमको। लाता हूँ लेकिन चुपके से। ओके लगता है बात बन गया भैया। जल्दी आइए, जल्दी बोतल ला भैया, जल्दी आओ। येलो चिल्ड वाटर। धन्यवाद। इधर से धन्यवाद। जी जल्दी चलो, कहाँ जा रहे हो पानी लेके? अरे साहब का पानी है, छुपाकर पीना चाहिए साहब। चलो ठीक है। अरे पानी देखे मुझे और जोर से आ रही है, जल्दी करो। अबे मरवाएंगा क्या? खाली नहीं करेंगे तो भरेंगे कैसे? अबे रुक, अरे अभी तो टंकी जल्दी खाली कर दे भैया, बच गए। अरे मुझे दे। आराम मिला, हो गया ना। बहुत बहुत धन्यवाद, ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद। पानी पिया नहीं? वो तो थोड़ी थोड़ी प्यास थी, थोड़ा थोड़ा पिया, थोड़ा पिया, लेकिन ये तो चिल्ड था, गर्म कैसे हो गया? अरे हवलदार साहब अंदर इतनी गर्मी है, अगर आप पानी में शक्कर दूध चाय डाल के देंगे तो आपको पकी हुई चाय बन के बाहर मिलेगा। साहब भी इसी में चाय बना के पीते हैं। बहुत समझदार आदमी है साहब। होशियार शहंशाहों के शहंशाह, बेगम फ्री शहंशाह, इंस्पेक्टर शहंशाह, जलवा फ्रोज हो चुके हैं। लगता है आज बीबी फिर मायके चली गई है। आलम पलक, जय हो जय हो जय हो। आधा बजा ला, आधा बजा ला, कितना बजाएगा, कितना बजाएगा? खड़ा हो जा। जानेमन जी हुजूर, हमारे लिए पानी पेश किया जाए। जो हुक्म आलम पना। साहब साहब साहब, रहम रहम साहब रहम। हमें यकीन है कि हमारे लॉकअप की अंधेरी एक रात ने तुम्हें पूरी तरह सुधार दिया होगा। पुलिस जी यहाँ मच्छर बहुत है। ओ साहब वो नया कैदी तो बेहोश हो गया साहब। खामोश, मच्छर की औलाद, ये बेगम फ्री शहंशाह का लॉकअप है, किसी अमीर जादे का एयर कंडीशन ऑफिस नहीं। हुक्म की तामील हो। जैसा हुक्म आलम पना। यम, 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 चुप। हाँ हाँ आलम पना, पानी पेश है, खोला जाए, पिया जाए। अच्छा लगा। हाँ?
वाह, लगता है किसी खास हौज से निकाला गया है पानी। खुशबू यहाँ तक आ रही है सरकार। सही फरमाया, इतना मिला जुला जायकेदार पानी आज तक नहीं मिला। खुश हुए, ये पानी पीकर शहंशाह आजम खुश हुए, और इसी खुशी के मौके पर तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने का हुक्म फरमाते हैं। जाओ शाहरुख से कहो दो कटिंग चाय ले आए, एक तुम्हारे लिए और एक बजाते खुद बेगम फ्री शहंशाह के लिए। जाओ तख लिया। तकिया लिया? क्यों नहीं लिया, अभी तक गए नहीं? आपके इतने बड़े इनाम के हुक्म से मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। बेवकूफ जाने मन, शायद तुम ये भूल गए कि जब भी हमारी बेगम मायके जाती हैं तो हम बेगम फ्री शहंशाह बन जाते हैं। आज ये पानी पीकर दिल को सुकून मिला तो तुम्हारे लिए ये इनाम काफी नहीं? काफी है सरकार, बहुत काफी है। आपकी दरिया दिली से इस नाचिस को यही उम्मीद थी। तो अभी तक यहाँ पर बने रहने का सबक? एक विनती है सरकार, अगर चाय के साथ में मस्का पाव भी हो जाए तो। कोई मसला नहीं, अता किया जाता है। जाओ जहनसीब 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 आफरीन, जहनसीब जाफरीन। सब सब हम जानते हैं, कैद खाने की एक ही कठिन रात ने तुम्हारे मंसूबों पर पानी फेर दिया होगा। तुम्हारी दो उंगलियों से पॉकेट साफ करने का फन तुम्हें कोस रहा होगा। तुम्हारी गलतियां माफ की जा सकती हैं, हम एक बार फिर तुम पर मेहरबान हो सकते हैं अगर तुम हमसे फिर कभी न चोरी करने का वादा करो। और मैं ये नहीं कर सकता साहब। नहीं कर सकते तो इस थाने की दरो दीवार की कसम, यहाँ मौजूद हर सिपाही की कसम, तुम शहर से महरूम कर दिए जाओगे, शहर बदर कर दिए जाओगे, इस बेगम फ्री शहंशाह की सल्तनत से बाहर कर दिए जाओगे। मुझे मंजूर है, लेकिन साहब आपका वो इंसाफ मंजूर नहीं जो मेरी रोटी रोजी छीन लेना चाहता है। मालूम ये हुआ कि कुत्ते की पूंछ को 100 साल नली में रखा जाए फिर उसे बाहर निकाला जाए तो वो टेढ़ी की टेढ़ी नजर आए। वजीर आजम। हवलदार। यस यस सर। बेगम फ्री शहंशाह के रजिस्टर में एक और जिद्दी चोर का नाम दर्ज किया जाए। यस सर। पुलिस जी। पुलिस नहीं कमबख्त, बेगम फ्री शहंशाह शहंशाह आजम कहो। आदा वादा 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 सीखो। साहब चाय। साहब पैसा निकालो। कौन है बदतमीज? शाहरुख। ठीक है ठीक है। शाहरुख हम तुम्हारे चाय बनाने के फन से बहुत खुश हुए, इनाम में क्या चाहिए बोलो? मुझे इनाम मिनाम कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाय के पैसे चाहिए। 2 महीने हो गए दूध वाला दूध नहीं दे रहा। कमबख्त, ये आदमी के दूध की चाय बनाता है? हमारी सल्तनत में ऐसा कौन सा आदमी है जो दूध देता है, हमारे सामने पेश किया जाए। अरे दूध वाला दूध नहीं देता, दूध तो गाय और भैंस देती है, वो दूध मुझे लाके देता है, वो मैं बना के आपको पिलाता हूँ। ओहो, आजकल ये क्या हो रहा है, हर चीज का टेस्ट बदल गया है, बात करने का सलीका बदल गया है, ये सब क्या हो रहा है? मेरे पैसे निकालो जल्दी। जाओ शाहरुख हमारे बही खाते में लिख डालो। खाता बंद हो चुका है, ऑलरेडी खाता बहुत भरा पड़ा है। नया खाता खरीद लो, ये रजिस्टर ले जाओ, जाओ इसमें लिख लो। मुझे ये सब कुछ नहीं, मेरे पैसे चाहिए। जाओ किसी और से मांग लो, देखो हवलदार की जेब टटोलो, शायद कुछ निकल आए। जाओ शाहरुख जाओ, टाइम बर्बाद मत करो। जब इंस्पेक्टर के पास पैसे नहीं है तो हवलदार के पास बाबा जी का घंटा मिलेगा। चले बाखुदा, हम मुजरिमों के दुश्मन नहीं, अपनी ड्यूटी के हाथों मजबूर हैं, वरना उस गांव वाले को भोले भाले आदमी को कभी नहीं पीटते, कभी हाथ ना उठाते ना ही डंडा चलाते, मजबूर हैं हम। कहां है वो जाने मन,
हमने उसे रात में ही रिहा कर दिया आलमपना। बेहतर किया। अरे सरकार, आप अपुन को छोड़ने का वादा करेगा तो अपुन आपको एक राज की बात बताएगा। वादा किया, राज बयान किया जाए। अरे हुजूर, गुस्ताखी माफ, आपने कल रात को जो पानी पिया था ना, पानी पिया था, जो जायकेदार था, कमाल का पानी था, पिया था। हाँ हुजूर, वो पानी। हाँ बोलो बेटा, पानी पिया था फिर? हाँ हाँ हुजूर, पानी पानी हुजूर। हाँ पानी, आगे बोलो। सरकार वो पानी नहीं था, वो बोतल में गांव वाले ने पेशाब कर दिया था। अरे भैया, हम तो खुद ही भिखारी हैं, हम तुमको क्या देंगे? कलकत्ता से मुंबई तक मेरे 1700 छोकरे फिर रहे ले। ऐसे ही नहीं, ऐसे लोग को कंट्रोल में रखे लाओ। बब्बन भिखारी नाम है मेरा। एक मिनट, तेरे बाद में फोन करता हूँ। ये लुक्के क्या देख रहा है? चल जी, हमको प्यास लगी है, पानी पिला दो। अरे लाडले, अरे वाह वाह वाह, हमको प्यास लगी है, तनिक पानी पिला दो और ये मैं बाटली उठा के तेरे को दे दूं। अबे शाने, ये बिस्लेरी है, बिस्लेरी। तू गांव से आया ना? हाँ। ये बहुत बड़ा शहर है मेरे बाप, ये गांव नहीं है तेरा, क्योंकि हर चीज को पैसा लगता है। पानी देखने का पैसा लगता है, खड़ा रहने का पैसा लगता है, एक दूसरे से बात करने का पैसा लगता है। तेरे पास पैसा है? जी हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है जी? नहीं। तो मेरे टाइम की काय को वाट लगा रहे ला है। निकल निकल, ले तो देगा 1,00,000। लुक्का, पानी भी पीने नहीं देता है, पानी भी पैसे मांगते है भगवान। बहुत प्यासा है यार, इतनी सी जान इतनी प्यास। ए चल ये ले इधर। एक मिनट, तू बाटली खोल, बिस्मिल्लाह बोल और ऊपर वाले से मेरे लिए दुआ बोल। जी। गटक जा। जी 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 जी। या अल्लाह, ये जो हिसाब से अपनी पानी की प्यास मिटा रहा है ना, अपनी 100% भूखा होएगा। ए मेरे बाप, ए मेरे बाप, ए मेरे बाप, आराम से आराम से आराम से मेरी जान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पानी डकार गया ना? अल्लाह। अरे झाड़ में फंसे ले पॉपलिन के टुकड़े, तू खाना बिना खाएला है? हमारा नाम झाड़ में फंसे पॉपलिन के टुकड़े नहीं है, हमारा नाम तो मुन्ना है। मुन्ना? तेरा नाम मुन्ना है कि चुन्ना है कि टुन्ना, उससे अपने को कुछ मतबल नहीं है क्या? तेरे पेट में रोटी है, तू खाना खाएला है क्या? जी जी, भूख भी बड़ा जोर से लगी है। ओ, तू मेरी एक बात सुनेगा ना? हाँ। तो तेरे को रोटी भी मिलेंगी, रोकड़ा भी मिलेगा, रोकड़ा ऐसा। जी क्या करना पड़ेगा? तेरे को ये करना पड़ेगा बाबा कि मेरे बात पे चलना पड़ेगा, मंजूर है? हाँ हाँ। तो चल मेरे साथ, तेरी नौकरी पक्की। अबे कटेले होटेले टूटेले लुके लोग, शाम को आऊंगा, पूरा हिसाब चाहिए। 5 पैसा भी इधर का उधर हुआ ना तो इधर ही माँ कसम उल्टा लटका के नल्ली पाए, ऐसा रखना पड़ता बाबा। तू दाढ़ी लगा, तू मेरे काम का आदमी है। अंधे को आंखें, लंगड़े को टांगे, गंजे को बाल, कंगले को माल, दूध मलाई, सर्दी में रजाई, शीला को जवानी, मुन्नी को चुन्नी, अरे पिज्जा बर्गर वो जा रहा घर पर, अरे कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे रे।
दे 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 अल्लाह के नाम पे, अरे दे 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 अल्लाह के नाम पे, तेरा बिगड़ा काम बनेगा जग में तू नाम करेगा, तेरी लॉटरी लगेगी तुझे छोकरी मिलेगी, ओ सूट वाले दे दे कुछ नेक कमाई से, कहाँ जा रहा मुंह छुपा के अपने भाई से, अरे दे 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 अल्लाह के नाम पे, अरे दे 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 अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अरे कुछ तो दे दे। तकदीर के मारे हम सब साथी, हाँ तकदीर के मारे हम सब साथी, बेगानी शादी के हम बराती, इसका टायर पंचर है इसका खेत बंजर है, इसका टायर पंचर है इसका खेत बंजर है, इसकी बंद लाइट देखो बिना हाथ की फाइट देखो, लेने का काम हमारा हम मंगते कहलाते हैं, मौका आया तो हम भी देते खूब जमाई के, दे 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 अल्लाह के नाम पे, दे 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 अल्लाह के नाम पे, दे 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 अल्लाह के नाम पे, हाय अल्लाह के नाम पे। तू कर ले प्यारे, अरे सस्ता है सौदा तू कर ले प्यारे, अरे एक बदले तू लाख कमा ले, दस देगा तो बनेगा संतरी, दस देगा तो बनेगा संतरी, 50 में तू बनेगा मंत्री, 100 वाले तेरे बच्चे जिए और 2 वाले तेरा खून पिए, चश्मे वाली ओ हीरोइन कुछ तो दे दे रे, नहीं तो आगे तुझे मिलेंगे भूत दरिंदे रे, दे 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 अल्लाह के नाम पे, दे 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 अल्लाह के नाम पे, हाय अल्लाह के नाम पे। अबे सड़ी सकल, अबे ए, तू काम भी नहीं करेगा, भीख भी नहीं मांगेगा, रोटी खाएगा, हम लोग सब लोग चरफूती है, चल साला ये गधा है, गधा मजदूरी ही करेगा और ही करता है क्या, जब देखो तब खाली खाता रहता है, एक घंटा हो गया अभी काम नहीं कर रहा है, जल्दी कर चल जल्दी। अबे तू खैनी खाता रहेगा क्या दिन भर, खैनी खाने का पैसा लेगा क्या? अरे मेम साहब, अभी मेम साहब चल जल्दी, अरे जल्दी चल, ए कहाँ जा रहा है बाबा उसकी औलाद, अरे इधर आ इधर आ। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, सॉरी मैम, मेम साहब हमारा नाम मुन्ना है, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा ड्रेस खराब हो गया। मुन्ना तुम बहुत सुंदर है रे। अरे भैया क्या हुआ, अरे तुम्हारे मुंह से तो खून आ रहा है, चल हम तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। मुझे मेरे घर जाना है, मेरे बच्चे भूखे हैं। हे भगवान क्या करूं मैं, कहां से दूध लाऊं बेटी तेरे लिए, चुप हो जा। कहाँ है तुम्हारा घर? वो उधर सामने वाली बस्ती में। अरे उठो उठो, अरे उठो उठो, आओ 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 आओ, आराम से आराम से।
अब आराम आओ बैठो बैठो थोड़ा ध्यान से भैया थोड़ा ध्यान से अरे आ जाओ भैया आ जाओ आ जाओ फिर आपकी आराम से भैया आराम से समझ ये क्या हुआ हाँ रुको बैठ जा अरे आओ बैठो भैया ये कौन है जी ये बहुत अच्छे आदमी है यही मुझे घर पे लेकर आए अच्छा मगर एक दिन हम भूखे रह लेते तो मर नहीं जाते कितनी बार मना किया था तब भी ठीक नहीं है रिक्शा मत चलाओ कोई छोटा मोटा काम कर लो लेकिन नहीं तुम किसी की सुनते हो क्या अरे चुप हो जा लाडो सब ठीक हो जाएगा ये ले खाना और ये दूध बच्ची के लिए रो मत खा ले खाना नहीं जहर है जहर जो तुम्हारी मौत के बदले मुझे मिल रहा है अरे मत रो लाडो चुप हो जा अरे तू भूखी रह लेगी मैं भी भूखा रह लूंगा लेकिन इस मासूम बच्ची को भूखा मैं नहीं देख सकता लाडो चुप हो जा सब ठीक हो जाएगा लाडो मत रो चुप हो जा 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 मुन्नी को दूध पिला दे अरे भाई साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना तो भूल ही गया मगर ये बताइए आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं आप क्यों रो रहे हैं अरे भैया तुम्हें देखकर मुझे अपने माँ और बहन की याद आ गई पता नहीं वो किस हालत में होगा पता नहीं कहाँ होगी मेरी माँ किस हालत में होगी मेरी माँ 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 क्यों इन पत्थरों के सामने अपना सिर फोड़ रही हो माँ गंगा ऐसा मत बोल बेटा पाप लगेगा क्या तेरे इस भगवान को तेरे आंसू दिखाई नहीं देते हैं माँ चुप हो जा गंगा चुप हो जा बेटा क्यों चुप हो जाऊँ माँ बचपन में मेरे बापू मुझसे छीन लिए और जब बड़ी हुई तो मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया गंगा बेटा हमसे जरूर कोई गलती हुई होगी जिसकी सजा हमें भुगतनी पड़ रही है बस कर माँ बस कर अब मैंने खिलौनों से खेलना छोड़ दिया है माँ खिलौनों से खेलना छोड़ दिया है माँ हे भगवान नादान है इसे माफ कर दो एक्सक्यूज मी नमस्कार मैम मार्केट हाउ मेनी डिस्टेंस टू हियर 1.5 किलोमीटर मैम बट कार्स नॉट अलाउड इनसाइड देन व्हाट फिर कैसे जा सकता है साइकिल रिक्शा से मैम साइकिल रिक्शा आई डोंट नो साइकिल रिक्शा ओके ओके प्लीज कम विद मी ओके कम प्लीज कम मैम साहब दिस इज रिक्शा दिस इज साइकिल रिक्शा वाओ हाय खत्म हो गए मैम साहब नहीं है खत्म हो गए पूरा खत्म हो गए अरे वाह तेरा खाना वाना नहीं खाना मैम साहब को मैम साहब को मार्केट ले जा जल्दी जा बैठिए 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 आइए 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 बैठिए मैम साहब को मार्केट ले जा जल्दी जा चलते हैं चलते थैंक यू थैंक यू चलिए जी 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 जल्दी जा थैंक यू लो मैम साहब आ गए आपका घर थैंक यू आई फील वेरी गुड विद यू आई मीन हमको अच्छा लगा तुम्हारे साथ घूमना सही में मैम साहब आपको हमारे साथ घूमना अच्छा लगा यस कैन यू कम टुमारो ओह क्या कल तुम वापस तुम्हारे रिक्शे में मेरे को विजिट करोगे कल तुम मैं कल
मैं तुम बिजी हो जाएंगे मैम साहब। ओके ओके, कल मैं तुम वापस विजिट। यस हाँ मैम साहब। हाँ हाँ हाँ। हे मुन्ना। मुन्ना मैम साहब, आपने हमारा नाम लिया, हमको मुन्ना कहा मैम साहब आपने। ऑफ कोर्स, यस मुन्ना, यस लो मुन्ना। नहीं मैम साहब, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुन्ना, कम ऑन, रख लो। थैंक यू, बाय। आ मैम साहब ने हमारा हाथ छुआ छुआ। नहीं, अगर मैं हाथ छूंगा तो गंदा हो जाएगा। अब मैं ये हाथ किसी को नहीं छूने दूंगा। मेरे हाथ को मैम साहब ने छुआ, हाथ छुआ मैम साहब ने। हाँ मैम साहब ने मेरा हाथ छुआ, मेरा हाथ छुआ मैम साहब ने, किसी को छूने नहीं दूंगा। हाँ मेरे हाथ को मैम साहब ने छुआ। ये लो गोपाल भैया। अरे इतना रुपया कहाँ से लाए मुन्ना भैया? अरे गोपाल भैया, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आज हमें मेम साहब मिली थी। अच्छा? अरे क्या क्या बात है भैया, ये मेम साहब कौन है? अरे भैया, आज तो बहुत जुर्म हो जाता अगर तुम हमारा हाथ छू लेते तो। आज हम उनको दिन भर शहर घुमाए हैं। गोरी गोरी बड़े बड़े आँखों वाली, उन्होंने ही ये हमें रुपया दिया है। अच्छा, तो आज पूरा दिन मेम साहब के साथ घूम रहे थे? फिर तो तुमने अपनी मन की बात कही है नहीं उससे, तभी इतना खुश लग रहे हो। शादी की बात की या नहीं उससे? हट पगली कहीं की, हम क्यों करेंगे शादी की बात? क्यों? ओ क्या है ना, हम जिससे भी शादी की बात करते हैं वो हमें छोड़ के चले जाती है, और हम नहीं चाहते हैं कि मेम साहब हमें छोड़ के चली जाए। अच्छा? अरे ये हाथ को क्या बांध के रखा है? ये वो क्या है कि मेम साहब ने ये हाथ छुआ है ना, और हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा छुए इसको, और ये हाथ गंदा हो, इसलिए बांध के रखे हैं। हेलो मुन्ना, गुड मॉर्निंग। हे मुन्ना। अरे मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, आओ आओ आओ। ये क्या मुन्ना, आर यू स्लीपिंग? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब? हाँ हाँ, हम सो गए थे मैम साहब। यस मुन्ना, तुम सो गए थे। आप कब आए मैम साहब? अभी आई मुन्ना, पर तुम सो रहे थे। हाँ वो कहा है, हम अपने मर्जी से नहीं सोए थे ना मैम साहब, वो बेशरम नींद हमें जबरदस्ती पकड़ लिया था। जबरदस्ती मुन्ना, जबरदस्ती कैसे? लगता है रात को तुम सोए नहीं। हाँ मैम साहब, आपने बिल्कुल सही पहचाना मैम साहब। तुम सोए क्यों नहीं? वो कहा है मैम साहब कि आपने कल ये हमारा हाथ छू लिया था ना, अगर हम सो जाते और कोई हमारा आँख खुलने से पहले कोई हाथ छू लेता तो। ना, हम ये हाथ किसी को छूने नहीं देंगे ना मैम साहब। अच्छा, सो स्वीट। अब हम आपको घुमाएंगे मैम साहब, पूरा शहर घुमाएंगे मैम साहब आपको। Thank you.
अच्छा और कौन कौन है तुम्हारे घर में? एक माँ है, एक ही माँ है मैम साहब, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है मैम साहब। और एक बहन है गंगा, दो बैल हैं, एक बछड़ा है गणेश, रामू श्यामू, और चूल्हा चाका खेती बाड़ी सब कुछ है मैम साहब हमारे घर में। बस मैम साहब आप ही नहीं है हमारे घर में। What? मैं नहीं हूँ मींस? मतलब हम अभी कुंवारे हैं, हमारा शादी नहीं हुआ है। शादी नहीं हुई मींस आर यू बैचलर? तुम कुंवारे हो? यस 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 मैम साहब यस। हम सुंदर हैं मैम साहब, बहुत सुंदर, ये हमारी माँ कहती है। यस मुन्ना रियली तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो। आप सच कहती ना मैम साहब, हम आपको सुंदर लगते हैं ना? यस मुन्ना तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। ओ ओ यस मैम साहब ने भी कह दिया हम बहुत सुंदर है। यस ओ यस यस इसके मतलब मैं सुंदर हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत बहुत बहुत। What is this, Muna? रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? मैम साहब, जब से हम गांव से शहर आए ना, तब से मैम साहब किसी ने पहली बार हमको सुंदर कहा है मैम साहब। Very innocent, very cute, Muna. Please, Muna, please. ये आ गए मंदिर। अरे मैम साहब, मैम साहब थैंक यू, आज तुम्हारे वजह से हम बच गए वरना। नहीं मैम साहब, ये तो हमारा फर्ज था। और अगर तुमको कुछ होता तो क्या होता है मुन्ना? नहीं मैम साहब, हमें चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। Yes, I know, Muna, I know. मैम साहब आईना की क्या जरूरत है, हम देख रहे हैं आप बिल्कुल ठीक हैं, देखिए एकदम बिल्कुल ठीक है, कहीं पे कुछ नहीं हुआ। भाई साहब आईनो का मतलब मुझे पता है, आईना नहीं देखना। क्या? आईना नहीं देखना। क्या? आईनो का मतलब है ए भिखारी, चल आगे जा, मुझे मालूम है तेरे से ज्यादा क्या होता है और क्या नहीं, चल। आई What is this, Muna? कौन लोग है ये? मैम साहब इसको छोड़िए, ये आपका मतलब का नहीं है। मुझे देखना प्लीज, चलो। I want to see, please. मैम साहब आप समझती क्यों नहीं है? आजा रे भैया, आजा रे काका, घोट जरा घोट हाँ घोट भैया, घोट थोड़ा काजू मिला, बादाम मिला और ले मिला अखरोट भैया, घोट ले भोले का नाम कटक जा। अरे भौजी ने भी छोड़ दी भैया घूंघटवा की ओट, भैया घूंघटवा की ओट, रे भैया घूंघटवा की ओट। धुम पचकम जो भांग मिली दूध में भी बदला रंग। जो भांग मिली दूध में तो दूध ने भी बदला रंग। गटकी जो बूंद एक तो ढपली के संग, देखो बजने लगा है चंग।
कफली बज चंगी बजा बरसों के बाद आया मजा पीले रे बाबू पीले तू चमके आज पीले भुला के सारे गम जिंदगी तुझिले हाँ जिंदगी तुझिले पीने का बहाना है संग आज जमाना है कर ले तू दिल की पूरी मिटा दे सारी दूरी मिटा दे सारी दूरी है दूरी जिसके संग जो भांग मिले दूध में तो दूध ने भी बदला रंग जो भांग मिले दूध में तो दूध ने भी बदला रंग ए हे 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 बादल भी बहकने लगे नीयत भी बदलने लगे देख के तुझको हाँ देख के तुझको इंसान हूँ बहक जाऊं होश में जो रह न पाऊं माफ कर देना हमको माफ कर देना हमको कोई छुए तेरा बदन होती है क्यों मुझको जलन जब भी चले ठंडी पवन नाचे रे ये नाचे क्यों मन जो भांग मिली दूध में तो दूध ने भी बदला रंग हे हाँ भांग मिली दूध में तो दूध ने भी बदला रंग मैं कहूँ कुछ तू कहे आ बैठ मेरे संग आ बैठ मेरे संग जो भांग मिली दूध में तो दूध ने भी बदला रंग ए जो भांग मिली दूध में तो दूध ने भी बदला रंग ए हे ए हे ए हे ए हे मेम साहब ओ मुन्ना आज लेट कैसे हो गए मेम साहब वो कहा है कि हम आज ये आपके लिए फूल लेने चले गए थे ना ये लीजिए थैंक यू आप चले शहर घूमने हाँ हाँ चलिए ओके चलो अबे कमीने सत्यानाश हो तेरा अबे साले इस सुंदर मुखड़े के अलावा और दूसरे जगह पसंद नहीं आई तुझे टट्टी करने के लिए अच्छा खासा मेम साहब का सपना तोड़ दिया साले ने मेम साहब तो नहा धो के तैयार भी हो गई होंगी
ये क्या, ये किससे गला मिल रही है? ये क्या कपड़े पहने हैं मुन्ना? पहले आप एक बात बताओ कि वो लिपट रहा था कि लिपट रही थी? She is my mom, मेरा माँ है। ओ, राम 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 राम, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई मैम साहब। राम 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 राम। What is this, मुन्ना? ये क्या कर रहे हैं? रुको रुको। हमें पहले माफ कर दो। बहुत माफ करूँ? किस लिए? वो कहा है ना कि हम आपकी मम्मी को ना मरद समझ लिए थे। वो कहा है हमारे जैसे बाल और हमारे जैसे जीन्स, वो हम मूर्ख वही समझेंगे ना मैम साहब। हमको माफ कर दो। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पर ये क्या कपड़े पहने हैं? वो क्या है मैम साहब की गोपाल के बीबी ने कहा कि ये कपड़ा पहन के जाओगे तो तुम मैम साहब को बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए हम पहन के आ गए। लेकिन तुम वही कपड़ों में ज्यादा अच्छा लगते हो मुन्ना। ठीक है मैम साहब, तो हम अब वही कपड़ा पहन के आएंगे जो पहनते थे। मुन्ना, कल हम अपना देश जा रहे हैं। क्या आप तो कह रहे थे मैम साहब कि आप हमारे साथ हमारे गांव चलोगे, हमारे माँ से मिलोगे, लेकिन सॉरी मुन्ना, मैं मजबूरी हूँ, अभी हमारे जरूरी काम से जल्दी जाना है। बस एक मिनट मुन्ना। अलो रोगो रखार राश्वेबी सदाई कर गए जान कर गई माले चामो ख्वाल। Love you, love you, love you, love you. Okay, bye. I'm sorry, Mona. I'm really sorry. मुन्ना भैया, आज तुम इतने जल्दी आ गए? कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है भैया। पता नहीं इनको क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राम जाने क्या हुआ। अरे भैया कपड़े तो बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ। भैया आज मेम साहब के लिए फूल लेके नहीं जाना? हाँ, जाना है ना। अरे मैं तो भूल ही गया था। जल्दी जाओ जल्दी। हाँ, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। मैम साहब, 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 रुकिए, रुकिए। अरे जॉनी, देख देख ये मुन्ना को क्या हो गया है, ये रिक्शा लेके कहाँ जा रहा है? वो भी खाली रिक्शा लिए हुए। अरे देख ना। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब। ये सब लोग कहाँ गए भैया? पता नहीं,
मकान मालिक ने धक्का देके बाहर निकाल दिया होगा। काफी वक्त से किराया जो नहीं दिया था, 100 रुपए कमाते नहीं और खेलने लग जाते हैं जुआ। अरे जुआरियों का यही अंजाम होता है, वो क्या कहते हैं, खाने को नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। कहाँ गए भैया? घाट में जाए, हमें क्या पता, गए होंगे अपने गाँव और जा भी कहाँ सकते हैं। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे भैया? वो अपने गाँव गए, तुम भी अपने गाँव चले जाओ। छोड़ मेरा रिक्शा। नहीं नहीं भैया, हमसे रिक्शा ना छीनो भैया। रिक्शा क्या, तेरे बाप का है? बड़ा आया रिक्शा लेने वाला। अबे अगर तू मेरा रिक्शा जुए में बेचकर भाग गया तो मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगा? चल भाग यहाँ से। एक नहीं भैया, चल। का? अल्लाह। अबे देख क्या रहा है, भाग यहाँ से। अरे कौन है ये लोग? कौन हो तुम लोग? वरना वो किसी के लायक नहीं रहती, खन्नास कर दी जाती है। मैं तो, अरे भैया कुछ करना पड़ेगा मुन्ना, कुछ कर। ले 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 साले मेम साहब को मार। अरे भागने नहीं पाए, पकड़ो साले को, भूल जाओ। भागो जल्दी जाओ। अरे अरे भागो 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 भागो। ओह माय गॉड, अरे ये क्या हुआ, तुम्हें तो गोली लगी है। चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं, जल्दी करो। आ, उठो उठो, संभल के चलो। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, अब उनकी तबीयत कैसी है? गोली बाजू से छू करके निकल गई, मामूली सा जख्म है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। ओ, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं नहीं प्लीज, उनका माइनर ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, आप बाद में मिल सकती हैं। ओके डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। आप ही मिस नैना हैं? मैं ही नैना हूँ, बोलिए। आप मुझे ये बताइए कि आप मुन्ना को कब से जानती हैं, और जिस जगह वारदात हुई वो एक सुनसान जगह थी, और वो मुन्ना वहाँ पर क्या कर रहा था, और वो आपको वहाँ बचाने क्यों आया? एक्चुअली जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं वो बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और रही बात अगर आपको मुन्ना के बारे में और कुछ जानना है तो उसके होश आने के बाद आप खुद ही पूछ लीजिएगा, मैं उसे पहली बार ही मिली हूँ। इट्स ओके। ओके थैंक्स। नमस्ते मैम साहब, आइए साहब। आओ मुन्ना, यही मेरा घर है। अच्छा है ना? हाँ मैडम जी, बहुत बड़ा है घर। हाँ चलो अंदर आओ। OMG. Oh baby, you are so cute. मुन्ना आओ तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ और अपने फैमिली मेंबर से भी इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मम्मा ये है मुन्ना, और मुन्ना ये है मेरी मम्मा। मम्मी मुन्ना। और ये है मेरी बहन कामिनी, और ये है मुन्ना। नमस्ते मुन्ना, और ये है जो हमारे पूरे घर को संभालते हैं, रामू। रामू ये है मुन्ना। नमस्ते जी। नमस्ते साहब। बेबी ये कौन है? मामा ये है मुन्ना, जिन्होंने मेरी जान बचाई है। रामू ऐसा करो कि तुम इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ, खाना खिलाओ और इनका पूरा ख्याल रखो। जी मैम साहब। ठीक है मुन्ना, रामू के साथ जाओ। आइए साहब। बेबी। जी मामा। ये क्या यही रहेगा? मामा आपके साथ नहीं रहेगा, इसी घर में रहेगा। ओह माय गॉड। अरे मुन्ना यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं मैडम जी, हम वो मेम साहब को देख रहे थे। अरे फिर से वही मेम साहब? देखो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाई हूँ। अच्छा किया मैडम जी आपने, जब हम इसको पहन के मेम साहब के पास जाएंगे ना तो हमको देख के बहुत खुश हो जाएगी। मुन्ना फिर वही मेम साहब, तो अभी क्या पहनोगे? तुम्हारे कपड़े देखो कितने गंदे हो गए। अच्छा तो ऐसा करो कि तुम अभी ये कपड़े पहन लो, जब तुम्हारे मेम साहब आएंगे ना तो मैं तुम्हें नए कपड़े ला दूंगी, ठीक है?
अब तो खुश हो? फिर ठीक है, आप बहुत अच्छी है मैडम जी, सच में। क्या मुन्ना तुम भी ना? तुम्हारी कहानी सुन के लगता है मुन्ना कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। हाँ मैडम जी, हम अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं, सच बताएं मैडम जी। हाँ। भगवान अगर हमें स्वर्ग दे और उसमें माँ न दे ना, तो हम उस स्वर्ग को छोड़ देंगे पर अपनी माँ को नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं मैडम जी, हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। एक बात पूछू मैडम? हाँ पूछो मुन्ना। आपकी माँ भी बहुत प्यार करती है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ मुन्ना, काश कि ऐसा होता। नहीं मैडम जी, आपकी आंखों में आंसू, आप रोइए मत मैडम जी, रोइए मत। ओएमजी नैना, हाँ बेबी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? माथुर साहब की फिल्म करने से तुमने मना कर दिया, ये जानते हुए भी कि पिछले 12 महीनों से वो तुम्हारी डेट का इंतजार कर रहा है। बेबी, जो तुम्हें प्यार करता है, जो तुम्हारी खातिर करता है, उसके लिए तुम्हारे दिल में बिल्कुल जगह नहीं है ना? वो मेरी इज्जत नहीं करता मामा, बल्कि मेरे सामने अच्छा कद्रदान होने का दिखावा करता है, ताकि मेरी इज्जत और शोहरत को वो अपनी दौलत की दुकान में सजा कर अपने माल को अच्छी कीमत पर बेच सके, समझिए। इसका मतलब ये कि अब तुम उसकी दुकान में सजने के लिए रेडी नहीं हो? हाँ, सजने को तो मैं उस वक्त भी तैयार नहीं थी मामा, जब गांव से घसीट कर आप मुझे यहाँ लेकर आई थी। आप तो मुझे नंबर वन हीरोइन बनाना चाहती थी ना, सो मैं बन गई। हमने ईश्वर से जो भी मांगा उसने उसे ज्यादा हमें दिया, लेकिन अब इस झूठी शाना शौकत से मैं दूर सुकून से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ मामा। नैना, इट्स इनफ। व्हाट हैपेंड मम्मा? पागल हो गई है, सठी आ गई है ये। मैं तो समझा समझा के थक गई। मेरे भी अपने सपने हैं, मेरी भी अपनी जिंदगी है, और नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ। आप ले लीजिए, आप रख लीजिए ये धन दौलत, ये गाड़ी बंगला, नहीं चाहिए मुझे ये सब। मैं सब कुछ समझ गई हूँ। साला जब से वो गवार घर में आया है ना, तब से इसकी सोच ही नहीं, सब कुछ बदल गया है। अगर ज्यादा दिन वो गवार इस घर में रहा ना, तो इसकी जिंदगी ही नहीं, ये घर भी बर्बाद कर देगा। हमारा मुन्ना पता नहीं कहाँ है, कैसा होगा? गंगा माँ, हमें मुन्ना के पास चलना है, चल अभी चल। कमीने ने मेरी बेटी को मार डाला। बे
सुन ले रे, विधाता सुन ले रे, तू सुन ले रे, ओ दाता सुन ले रे, तू सुन ले रे, विधाता सुन ले रे। विजिट ऑफ इंडिया मुन्ना ने मेरी हेल्प किया। मेरी वाइफ ने लास्ट टाइम इंडिया आई थी और मुन्ना ने बहुत हेल्प की थी इसकी। कहाँ है मुन्ना, कहाँ है? आप रो क्यों रही हैं? चुप हो जा गंगा। मुन्ना पकड़ा गया। सदर थाना पुलिस के अनुसार फिल्म हीरोइन नैना हत्या का मुख्य आरोपी मुन्ना को पकड़ा गया। शिक्षा मंत्री आज से सरकारी मैडम, आप ये रखिए। ओके
निश्चिंत रहिए, वैसे भी आप मेरे लिए उतने महत्व रखती है जितना आप नैना के टाइम रखती थी। जी मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते, ओके बाय, टेक केयर। थैंक यू। ओएमजी, भैया भैया, गंगा गंगा, मेम साहब, भैया मेम साहब और साहब आपको लेके आए भैया। देखना गंगा क्या हो गया। मेम साहब, मेम साहब, हम कुछ नहीं किया। आई ना मुना, आई ना माँ, माँ कहाँ है? नो बोल ना गंगा, भैया बोल ना, माँ का एक्सीडेंट, माँ का एक्सीडेंट हो गया भैया। माँ मैं नहीं रही माँ, भैया रो मत मुन्ना, रो मत। मेम साहब आप लोग चलिए, अब मैं अभी आती हूँ। ओए काली पीली आइटम, मिल लिया ना भाई से? चल कल्टी हो जा, बहुत हो गया तेरा नाटक। चल चल साहब, चवन्नी बाई और उसकी बेटी आ रही है। क्या वो आ गई? अरे बुला उसको। चवन्नी बाई आ जाओ। ऐसे लोगों की वजह से बाबाओं को अनशन करना पड़ता है। Come on, baby. जी। अरे आइए मैडम, आइए बैठिए। अरे सुनो, दोनों मैडम के लिए दो बढ़िया ठंडा लेके आओ। वाह। अरे दे भी दीजिए मैडम, अब मत तड़पाइए। ये किस लिए समझे? डोंट वरी मैडम, ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा कि दुनिया का बड़े से बड़ा वकील उसे फांसी के फंदे से बचा नहीं पाएगा। हम गीता पे हाथ रख के कहते हैं जी, हम कौनो खून नहीं किया है। ये गंगा समझा नहीं साहब लोगों को, तेरी कसम हमने कोनो खून नहीं किया है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आपसे जितना पूछा जाए सिर्फ उसी बात का जवाब देंगे। योर ऑनर, ये मुकदमा महज एक इंसान के खून का नहीं बल्कि इंसानियत के कत्ल का भी है। नैना ने कटेरे में खड़े इस मुल्जिम को पनाह दी, इसे सहारा दिया, इसे अपने घर में रखा, और इसी हैवान ने उसी लड़की का बड़ी बेदर्दी से खून कर दिया। योर ऑनर, मौका वारदात पर यह चाकू पाया गया जिस पर मुल्जिम की उंगलियों के निशान हैं, और यह फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट है। योर ऑनर, इस शातिर की भोली भाली शक्ल पर मत जाइए, इसने अपनी भोली भाली शक्ल और चिकनी चुपड़ी बातों का सहारा लेकर न जाने कितनी भोली भाली और मासूम लड़कियों को इमोशनली ब्लैकमेल किया, और जो भी इसे दौलतमंद और खूबसूरत लड़की दिखाई दी उसे इसने मेम साहब कहना शुरू कर दिया। तुम चिंता मत करो, ये सही बोलते। इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है मिलोर्ड। ताल्लुक है योर ऑनर, बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है, जिस तरह एक बच्चे का ताल्लुक अपनी मां की कोख से होता है। इस मुल्जिम की मिसाल तो बिल्कुल एक अंधे की तरह है जो अपनी शादी के लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश में निकल पड़ा। यह मुल्जिम जिसे बार बार भोला भाला सीधा साधा कहा जा रहा है, अगर यह भोला भाला है तो किसी गरीब लड़की में से मेम साहब क्यों नहीं दिखाई दी? अगर यह इतना ही सीधा है कि अपनी मां की उंगली पकड़े बगैर ये घर से बाहर कदम नहीं निकालता, तो एक अनजान शहर में इसमें आने की हिम्मत कहां से आ गई? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त, क्या ये कहना चाहते हैं
कि कटघरे में खड़ा हुआ आदमी एक बहरूपिया जो रईस बनने की चाह रखता है और जब नैना जैसी लड़की उसकी जाल में नहीं फंसी तो उसने उसका खून कर दिया। इज दैट यू वांट टू से योर ऑनर? मेरे काबिल दोस्त ने बहुत ही सही बात बोली कि ये वो अंधा है जो घर से निकला था अपने शादी के लिए एक लड़की ढूंढने के लिए। बेशक अंधे की आंख में रोशनी नहीं होती मगर आंसू जरूर होते हैं, वो आंसू जो उनके टूटे हुए ख्वाब की पहचान बनते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं योर ऑनर कि कानून के कौन सी किताब में लिखा है कि एक बदसूरत आदमी एक खूबसूरत मैम की इच्छा नहीं रखता? बताइए आप मुझे। जज साहब, अगर इस शख्स ने एक खूबसूरत मैम पाने की तमन्ना की तो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी मां को दिए हुए वचन के लिए, और मां को दिया हुआ वचन अगर पूरा करना गुनाह है तो फिर यह शख्स एक गुनहगार है। मुजरिम हम नहीं है जज साहब, मुजरिम तो हमारी मां थी। मां जो बचपन से हमें झूठ बोलते रही कि हम सुंदर है। लेकिन जज साहब हम सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं है, पर हमारी माँ। अरे ए मुन्ना क्या कर रहा है? मैं अपनी शिकल देख रहा हूँ आईने में। क्यों? वो लड़के कह रहे हैं कि तेरी शकल गंदी है, जाके आईने में शकल देख क्या। मुन्ना मेरी आंखों में देख, तू सुंदर दिखाई दे रहा है ना? हाँ माँ। तो मुन्ना तुझे मेरी कसम आज के बाद कभी आईना मत देखना, क्योंकि माँ की आंखों से बड़ा आईना कोई नहीं होता। हाँ माँ। खा मेरी कसम। आपकी कसम, आज के बाद मैं आईना कभी नहीं देखूंगा। शाबाश मुन्ना। जसाब हमारी माँ कैसी रहेगी? अब सुंदर है, अब हम समझ गए जज साहब की हमें आईना देखने में क्या रोकती थी, इसलिए कि हम सुंदर नहीं है। हम सुंदर नहीं है जज साहब, हम सुंदर नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। योर ऑनर, इतनी जज्बाती एक्टिंग अगर ये किसी फिल्म या नाटक में करते तो दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन ये अदालत कोई एक थिएटर नहीं बल्कि इंसाफ का मंदिर है, और इस मुकदमे का ताल्लुक इनकी भावना भरी राम कहानी से नहीं बल्कि नैना के कत्ल से है। योर ऑनर, अब मैं इस केस में अपनी विटनेस शवन्नी बाई को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आप मुन्ना को जानती हैं? यही कुछ 4 महीने से। आपकी मुन्ना से कैसे और कहां मुलाकात हुई? मेरी बेटी ने ना ही इसको घर पर लेकर आई थी। मैंने कितनी बार समझाया कि किसी अजनबी को घर में मत लाओ, मत लाओ, मत लाओ, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी, और अभी अपनी जान गवा बैठी। अच्छा एक बात बताइए कि नैना एक अजनबी को अपने घर में क्यों रखना चाहती थी? क्योंकि नैना को ऐसा लगता था कि इसका उस पर एहसान है। एक दिन नैना शूटिंग से लौट रही थी, किसी गुंडे ने उसको अपना फैन बताया और नैना पर हमला कर दिया। तब ये कहीं से बीच में आ गया, तो जैसा मेरी बेटी को ऐसा लगा तो इसकी वजह से उसकी जान बच गई। फिर क्या हुआ? फिर न जाने क्या इसने उस पर जादू कर दिया कि मेरी बेटी दिन में दिन इसके बारे में सोचती गई और ये उसके गरीब आता गया, और एक दिन इस वैश्य दरिंदे ने मेरी बेटी का खून कर दिया। जिस दिन कत्ल हुआ आप कहाँ थी? मैं अपने कमरे में थी।
मैंने अचानक जोर से चीखने की आवाज सुनी तो मैं कमरे से दौड़ के बाहर आई तो मैंने देखा कि इसके हाथ में खून से लथपथ चाकू था, इस गमीने के हाथ में। आप जा सकती हैं, थैंक यू। योर ऑनर, अब मैं इस केस की बहुत ही अहम गवाह मिस कामनी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मक्तूला नैना से आपका क्या रिश्ता था और जिस दिन कत्ल हुआ आप कहाँ थी? जी वो मेरी बड़ी बहन थी और जिस दिन कत्ल हुआ मैं घर पर ही थी। क्या मुलजिम मुन्ना और नैना का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था? जी नहीं, उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ। घबराइए नहीं, याद कीजिए। झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ कहा सुनी जरूर हुई थी। किस बात को लेकर? किसी मेम साहब को लेकर। क्यों? असल में दीदी को लगता था कि वो मेम साहब जिसका ये रात दिन इंतजार करता है वो कभी लौट कर नहीं आएंगी। आखिर क्यों? शायद इसीलिए कि एक गरीब आदमी के पास एक विदेशी मेम साहब लौट कर वापस क्यों आएंगी, इसके चक्कर में ये पूरी अपनी जिंदगी बर्बाद न कर दे इसलिए इसको समझाने की कोशिश किया करती थी, पर ये अपनी मेम साहब के बारे में कुछ भी सुनना गवारा नहीं करता था। आप जा सकती हैं। ओके सर। योर ऑनर, उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। नैना ने इसकी भलाई के लिए इसे समझाने की कोशिश की होगी और उस कोशिश में उसके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले होंगे जो इसे गवारा नहीं हुए और तैश में आकर इसने टेबल पर रखा चाकू नैना के पेट में मार दिया। दैट्स ऑल योर ऑनर। ये अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए और कहिए कि आप जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जिस रात को मिस नैना का कत्ल हुआ था उस रात को आपने क्या देखा? मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जिस रात मेरी बेटी का कत्ल हुआ उस रात मैं घर में थी। मुझे अपने कमरे में चीखने की आवाज सुनाई दी, मैं डर गई और फिर मैं बाहर आई। वो आवाज किसकी थी? मुन्ना की। फिर आपने क्या देखा? मैंने देखा कि मुन्ना अपने हाथ में चाकू खून से लथपथ लिए मेरे तरफ आ रहा था। फिर क्या हुआ? वो मेरे सामने आया और उसने मुझे बोला मैम सब मर गई। मैं तो शॉक्ड हो गई। उतने में मेरी बेटी कामिनी मेरे पास दौड़ कर आई। मतलब आपने मुन्ना को मिस नैना के कमरे से बाहर आते हुए देखा? अंदर क्या हुआ, किसने खून किया, ये सब तो आपने देखा नहीं? I object your honor। कातिल ने खून किया, वो कमरे के बाहर से निकलकर भागा और पकड़ा गया। उसके हाथ से चाकू बरामद हुआ जिस पर मुल्जिम की उंगलियों के निशान थे। सारे सबूत इस कातिल के खिलाफ हैं। फिर क्यों मेरे काबिल दोस्त इस केस को खामा खा उलझाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं इस केस को उलझाने की नहीं बल्कि सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि चवन्नी भाई ने कहा कि मुन्ना की आवाज सुनके दौड़ी। दत्त साहब, आप मुझे एक बात बताइए कि कोई भी कातिल खून करने के बाद चीखता है कि वो खामोशी से निकल जाता है? दूसरी बात, मिस कामनी ने मुन्ना को नैना के कमरे के बाहर देखा, कमरे के अंदर खून करते हुए नहीं देखा। मोहतरमा, आप जा सकती हैं। जज साहब, अब मैं मिस कामनी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस कामनी, जैसा कि आपने बताया कि जिस रात खून हुआ उस रात आपने मुन्ना को खून से लदा हुआ चाकू लेकर आपकी मम्मी के साथ खड़ा हुआ देखा। जी हाँ। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? फिर मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया, तब तक मुन्ना वहां से भाग गया। और फिर मैं दीदी के कमरे में गई। मैंने देखा कि दीदी खून में लथपथ पड़ी थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने माँ को संभालूं या अपनी दीदी को।
जाहिर सी बात है, आप तो अपनी बहन को बहुत प्यार करती थी ना? जी हाँ, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। झूठ बोलती है आप, आपको अपनी बहन से कभी प्यार था ही नहीं। मिलाद, ये अपनी बहन से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, क्योंकि जब कोई अपना अजीज मरता है तो इंसान सारी दुनिया का काम छोड़ के उसकी लाश को संभालता है। तुमने अपनी बहन को नहीं संभाला बल्कि अपनी माँ को संभालने में लग गई। इसका ये मतलब है कि तुम जानती थी कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, ये सच नहीं है। यही सच है मिस कामिनी। और अगर ये सच नहीं है तो फिर बताइए क्या सच है। मैं नहीं जानती। जानती हो या बताना नहीं चाहती हो? जी मैं कुछ नहीं जानती। झूठ मत बोलो मिस कामिनी, अभी भी बता दो कि तुम क्या नहीं जानती। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त गवाहों को टॉर्चर कर रहे हैं। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त शायद ये भूल रहे हैं कि जिस रात मिस नैना का कत्ल हुआ, उस रात मिस नैना के घर पे चवन्नी बाई, मिस नैना, उनकी बेटी कामिनी के अलावा एक और शख्स भी मौजूद था, जिसका जिक्र न पुलिस की चार्जशीट में है और न हमारे काबिल दोस्त की जिरह में है। अब क्यों नहीं, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपके कहने का मतलब क्या है? जज साहब, मेरा मानना यह है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इनका घरेलू नौकर रामू था। क्यों, ठीक कहा ना मैंने वकील साहब? आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि तमाम सबूतों और गवाहों से यह साबित हो गया है कि कटहरे में खड़ा यह मुजरिम मुन्ना ही कातिल है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। वकील साहब, आपका काम है सबूत और गवाह इकट्ठा करना, फैसला सुनाना नहीं। फैसला सुनाना तो अदालत का काम है, आप उसमें दखल ना दें। प्लीज कम टू द पॉइंट। जज साहब, मैं नौकर रामू को आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। रामू को पेश किया जाए। जज साहब, यही है वो रामू जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जज साहब, मैं पिछले 3 साल से नैना मेम साहब के यहाँ काम करता था। जज साहब, मैं ये तो जानता था कि नैना मेम साहब और छोटी मेम साहब का बाप एक था, पर माँ एक नहीं थी। पर जज साहब, नैना मेम साहब छोटी मेम साहब को बहुत ज्यादा चाहती थी। रामू, तुमसे खानदान की तफसील के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। बड़ी मेम साहब के कत्ल के बारे में जितना भी जानते हो वो अदालत को बताओ। फिर वकील साहब, इतना तिलमिला क्यों रहे हैं? कहीं नैना मेम साहब के कत्ल में आपका हाथ तो नहीं? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, आगे बोलिए। जज साहब, मैं दूध का गिलास लेकर बड़ी मेम साहब के कमरे की तरफ जा रहा था कि ई मेम साहब, ये छोटी मेम साहब, मुन्ना भैया और बड़ी मेम साहब की बातें चुपके से सुन रही थी। मुन्ना भैया और नैना मेम साहब बाहर घूमने गए और हम दूध का खाली गिलास लेने के लिए कमरे की तरफ जा रहे थे कि हमने देखा। ऐसा क्या उस गवार ने इस पर जादू कर दिया कि इसे फर्स्ट नॉमिनी भी उसी बना डाला? कल को ऐसा ना हो कि पूरा प्रॉपर्टी उस गवार के नाम पर हो जाए और हम ठन ठन पाल मदन गोपाल। अब तो कुछ करना पड़ेगा। साहब, इतना कहकर दोनों माँ बेटे अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद मुन्ना भैया और नैना मेम साहब आ गए, फिर एक पंडित आया, फिर शादी की बात को लेकर बड़ी मेम साहब और एक कल झुकी माँ में तू तू मैं हुई। फिर पंडित चला गया, बड़ी मेम साहब भी अपने कमरे में चली गई। मैं सोने से पहले खाना खाने के लिए मुन्ना भैया के कमरे में गया कि ये छोटी मेम बड़ी मेम साहब के कमरे में गई और मुन्ना को लेकर बहस होने लगी।
एक गवार आदमी के पीछे आप इतना क्यों सोच रही हैं दीदी? वो बेवकूफ अपनी सारी जिंदगी एक मेम साहब के पीछे खराब करेगा ही, आपका करियर भी करेगा। और मम्मी जो कुछ भी कह रही है, आखिर वो आपके भलाई के लिए कह रही है। वो माँ है हमारी, उनका हक है हम पर। कामिनी, मेरी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। जज साहब, जिस रात नैना मेम साहब का कत्ल हुआ, उस रात मैं मुन्ना भैया के कमरे में बिस्तर लगा रहा था। अरे ये क्या, मेम साहब के फोन तो हमारे जेब में ही रह गए भैया। तो मेम साहब को जल्दी देकर आओ, कोई जरूरी खास बात होगी। मुन्ना मेरे साथ था, वो मेरे पास से गया। वो 10 सेकंड में खून कैसे कर सकता है? पर नैना मेम साहब की तीए की बैठक की रात जब वो प्रोड्यूसर कपूर साहब घर आकर कामिनी और उसकी माँ से बात करके गए तो Cheers. आज कपूर साहब ने मेरा हीरोइन बनने का सपना पूरा कर ही दिया। आज अगर नैना दीदी होती तो ये सपना पूरा होता भी या नहीं? एक बार इसका बारवा तो होने दे, फिर देख मैं क्या खेल खेलती हूँ। मम्मा, हाँ? मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है। क्या लगता है? मम्मा, जब मैं नैना दीदी के गले मिल रही थी ना। अरे तू मेरे बाप की औलाद है, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगी। हमारे अलावा रामू भी वहाँ था। ओ दीदी, आप मेरे लिए कितना सोचती हैं? मेरे से भी आपके लिए जो भी हो सकेगा मैं जरूर करूंगी दीदी। ओ बेबी। या मामा? तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरे बाप की बीवी नहीं, तुम्हें कामिनी, तुम मेरे बाप की नाजायज औलाद हो। तुमसे मैं जायज रिश्ते की उम्मीद भी कैसे कर सकती थी। तो लगता है कोई आ रहा है। हाँ मम्मा, चलो मम्मा। मेम साहब, मेम साहब, क्या हुआ मेम साहब? मुन्ना, वो मेम साहब, अरे मेम साहब को मार डाला किसी ने। मेम साहब का खून हो गया। मेम साहब, मेम साहब, किसी ने मार डाला मेम साहब को। तूने मार डाला मेरी बेटी को। ये क्या किया तूने, मेरी बेटी को मार डाला? नहीं हम नहीं मारे, नहीं हम नहीं मारे। जस साहब, मैं बहुत बुरी तरीके से डर गया था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अपने मोबाइल पर अपने गांव के एक दोस्त को डॉक्टर बनकर फोन करने के लिए कहा मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जज साहब, मैं रोता हुआ इन दोनों माँ बेटी के पास गया। मत रो रामू। रामू ये लो, चलो अपनी माँ का इलाज करवाना गांव जाके। हाँ, और गांव में ही रहना, ठीक है? ये लो। और इस तरह जान बचाकर मैं अपने गांव चला गया। फिर मुन्ना की बहन और ये सब लोग गांव पहुंच गए। इन्होंने मेरी माँ को जब बताया तो मेरी बीमार माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, 100 गुनहगार बच जाए तो मालिक हिसाब लेगा, लेकिन एक बेगुनाह फंस गया तो मालिक तुझे भी नहीं बख्शेगा। मैंने मरती माँ को वचन दिया, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं जल्लाद, चुड़ैल, मक्कार, गद्दार, इन दोनों माँ बेटियों को फांसी की सजा दिलवा कर ही रहूंगा। जाएगी चुड़ैल, मुझे फसाएगी।
पकड़ना है ना इस कलंक को, धो डालो भैया इस कलंक को, धो डालो। उठ, चल तुझे कॉफिन चढ़ा के छोड़ूंगा। चल गंगा ले चल, पकड़ इसको। छोड़ दे। चल। कहाँ भाग रही थी? मुझे पता नहीं, भगवान के भाग रही थी। तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत मुन्ना को बाइज्जत बरी करने और चवन्नी बाई और उसकी बेटी कामिनी के खिलाफ नैना की हत्या का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म सुनाती है। मेम साहब, आपने हमारे भैया को छुड़ा के हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। नो प्रॉब्लम। चलो भैया। गंगा। हाँ भैया। अब हम मैम साहब के चक्कर छोड़ के हम गांव जाना चाहते हैं गंगा। हाँ भैया, हम अपने गांव चलेंगे। चलिए भैया। मैम साहब, हमारा नाम मुन्ना है। हमारी माँ कहती थी हम बहुत सुंदर हैं। हमारी शादी किसी मैम साहब से होगी। लेकिन भैया, तुम तो कहते थे कि अब तो मैंने मैम साहब का चक्कर छोड़ दिया। आदत धीरे धीरे छूटेगी ना गंगा। हाँ। मैम साहब हमसे शादी कर लो ना। अरे गंगा, मैम साहब ने हाँ कर दिया। अरे वाह, अरे वाह। मुन्ना मागे मैं मुसाफ ना दौलत की जोड़ बाकी ना इज्जत का कोई हिसाब मुन्ना की माँ ने बोला हाँ मिलेगी मैं मुसाफ मुन्ना का यही फंडा और यही है किताब मुन्ना मागे मैं मुसाफ जिंदगी बीत जाए मुन्ना ढूंढ के रहेगा टूट जाए पसलियां हर मेम से कहेगा मेरा नाम मुन्ना है अजी सुंदर हूँ मैं मेम शादी हमसे कर लो पूरा कर दो माँ का ख्वाब मुन्ना मागे मैं मुसाफ दुनियादारी मुन्ना को कुछ भी आती नहीं मैं मुसाफ के बिना कोई भाती नहीं मुन्ना के दिल में तो मैं ही है बसी होगी रब ने बनाई मुन्ना की मैं मुसाफ मुन्ना मागे मैं मुसाफ